राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर विपक्षी पार्टी पर हमला बोला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो नौकरी मिलेगी और किसानों को MSP मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में किसानों को हक दिलाने के लिए चौधरी चरण सिंह जी से बड़ा नेता कोई नहीं है, अब उन्हीं के रास्ते पर हम चलेंगे और मिलकर काम करेंगे। हमें उम्मीद है आने वाले समय में भाजपा का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। चाहिए है कि भाजपा हटेगी तो देश बचेगा, और ये बात हम लोग यूं ही नहीं कह रहे हैं। हालत देखिए क्या है, क्या स्थिति है सामने। इसलिए देश बचाने के लिए भाजपा हटे तभी देश बचेगा। भारतीय जनता पार्टी और भी कुछ कर सकती है, इसीलिए मैंने कहा मतदान और सावधान दोनों करना पड़ेगा। मतदान तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मतदान तक हम सबको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने बूथ की भी रक्षा करनी है। तो ये जितने हमारे साथी आए हैं, हम इन साथियों को इसीलिए सावधान कर रहे हैं कि मतदान तो करेंगे लेकिन सावधान भी रहें और बूथ की रक्षा करें। अगर बूथ की रक्षा नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अकाउंट सीज हो रहे हैं वो इसलिए सीज हो रहे हैं क्योंकि चंदा चोरी में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है। चंदा भी एक अच्छा शब्द है लेकिन वो तो वसूली है, वसूली में सबसे आगे है।